सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीमेंट को ऑन साइट कैसे टेस्ट करते हैं। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, बीटेक स्टूडेंट हो, या आपने पास आउट मतलब कर रखा है, तो आपको पता होगा कि लैब में बहुत सारे टेस्ट होते हैं सीमेंट पे, ठीक है। तो अब साइट पे तो लैब नहीं रहता ना, तो साइट पे मैं आज उन टेस्ट को बताने वाला हूँ जो आप फिजिकल अपेरेंस जैसे देख कर उसको या फिर फील करके जो टेस्ट होते हैं, तो उनको आप टेस्ट करके कैसे पता करोगे कि वो आपका जो सीमेंट, आपका न्यू बैच आपके साइट पे जो आया है वो सही है या नहीं है। बेसिक है, लेकिन इसको जानने से ना आपका जो इनहेंस है, एक्सपीरियंस लेवल वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब सारी चीज़ें लैब में है तो लैब पॉसिबल नहीं है हर जगह। जब पहला अपीयरेंस होता है तो उस पर भी देख कर, एज एन इंजीनियर, आई विजिबिलिटी भी नाम की कोई चीज़ होती है, तो आपको उसे ही देख कर बताना होता है कि सीमेंट सही है कि नहीं। तो ये चार चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, चार पॉइंट, आप उसको टेस्ट करो। और अगर ये चारों टेस्ट में पास हो जाता है तो 90% तो मान लो कि वो सीमेंट साइट पे यूज़ करने लायक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको बेधड़क यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो टेस्ट नंबर वन है हमारे पास कलर टेस्ट। एज यूजुअल बहुत कॉमन है सारी चीज़ों के लिए, भाई एक परफेक्ट यूनिफॉर्म कलर तो होता ही है, तो सीमेंट के लिए भी हमारा कलर टेस्ट है। तो सबसे पहले अपने बैग को ओपन करना है और चेक करना है कि सीमेंट का कलर क्या है। तो सीमेंट का जो कलर होना चाहिए, इट शुड बी ग्रीनिश ग्रे इन कलर, ग्रे इन कलर होना चाहिए, ग्रीनिश। और उसके साथ साथ ये कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब ग्रे भी होगा और यूनिफॉर्म, मतलब सारे में उसी तरीके से ग्रे कलर है। ऐसा नहीं कि थोड़ा ऊपर का ग्रे दिख रहा, नीचे कुछ और दिख रहा है, थोड़ा वाइट दिख रहा, नहीं, यूनिफॉर्म ग्रे इन कलर होना चाहिए। तो ये पहला कलर टेस्ट है। बैग ओपन करो और अपने सीमेंट के कलर के टेस्टिंग कर लो। अगर ग्रे है तो यूनिफॉर्म है, तो भाई कलर टेस्ट में हमारा सीमेंट पास हो गया। सो सेकेंड टेस्ट है हमारे पास फ्लोट टेस्ट। तो टेक अ सैंपल ऑफ सीमेंट फ्रॉम द बैग एंड थ्रो इट इन टू अ बकेट फुल ऑफ वाटर, इट शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर इट सिंक्स। मतलब ये कि अगेन बैग खोलो और एक बकेट पहले रख लो, इसमें कुछ पानी भराओ, बैग खोलो और उसमें क्या करो, एक मुट्ठी सीमेंट ले लो और उसको बकेट में डाल दो जिसमें अपने पानी भर के रखा है। तो अगर आपने सीमेंट डाला और वो थोड़ी देर ऊपर फ्लोट करता है और उसके बाद पानी में बैठ जाता है, घुल जाता है, तो डैट मीन कि ये सीमेंट अच्छा है। और अगर आपने उसको पानी में डाला बट वो ऊपर ही तैरता रहा, मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आपने डाला वो तुरंत नीचे बैठ गया तो भी अच्छा नहीं है। तो जब आप सीमेंट डालते हो ना, तो वो थोड़ी देर के लिए तो फ्लोट एटलीस्ट करता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होगा, उसके बाद वो नीचे जाके बैठ जाता है, घुल जाता है। तो आपको चेक करना है फ्लोट टेस्ट कैसे करते हैं, मैंने बता दिया। अब दूसरा आता है दोस्तों, थर्ड वन सॉरी, प्रेजेंस ऑफ लम्स। तो देयर शुड नॉट बी एनी विजिबल लम्स, थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग एंड देयर शुड नॉट बी एनी लम्स इनसाइड, एनी बैग कंटेंट सच लम्स शुड बी रिजेक्टेड। लम्स मतलब क्या हो गया ना, कि आपने देखा होगा अगर कहीं पे भी सीमेंट में मॉइस्चर आ जाएगा ना बैग के अंदर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है, तो क्या होता है ना, सीमेंट में थोड़ा सा ढीला ढीला जैसा बन जाता है, ठीक है, या फिर उसके जो बनने की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है, और सही तरीके से इसके जितने इंग्रेडिएंट को मिक्सअप नहीं किया जाता, उसमें लम्स आ जाते हैं। तो वो लम्स आपके कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ को ही बहुत ख़राब हो जाता है, वो लम्स फूटता भी नहीं है, घुलता भी नहीं है पानी में। तो आपको ये चीज़ चेक करना है, बैग में हाथ डालो और इसको देख लो, थ्रस्ट करो, हाथ में एक फुल हैंडफुल ले लो सीमेंट का, उसमें देखो कि कहीं इसमें लम्स तो नहीं है। और अगर आपको लम्स मिलता है भाई साहब, तो उस सीमेंट को किसी भी कतई यूज़ ही नहीं करना, उसको फेंक दो बाहर, ठीक है। डॉक्टर पे जाके जिसने आपको प्रोवाइड किया है भाई, आप उसको बोल दो कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देयर शुड नॉट बी एनी विजिबल लम्स। अब लास्ट टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा ना, तो उसे परफॉर्म करने के लिए भाई इंजीनियर को थोड़ा अपना हाथ गंदा करना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट है उसका नाम है टेम्परेचर टेस्ट। तो एक मिथ क्या है ना, सबको लगता है कि सीमेंट में अगर हाथ पे आ जाएगा तो हाथ जलने लगेगा, गर्म लगता है उससे, तो ऐसा नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी की सीमेंट है ना, तो अगर आप उसके हाथ डालोगे तो आपको ठंडापन का एहसास होने वाला, ठंडा लगने वाला, कूलनेस फील होगा अपने हाथों में। तो वही है कि आपको फिर से बैग ओपन करना, बैग ओपन करके अपने हाथों को डाल देना, हाथ गंदा हुआ, लेकिन अपन इंजीनियर है, अपने को क्या है भाई, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने को क्वालिटी चेक करनी है, तो बस हाथ डाला, अगर ठंडा लग रहा है ठीक है, दैट्स मीन सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है, और बहुत ज़्यादा गर्म जलन होने लगा मतलब सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है बॉस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना, ठीक है। तो इन चार चीज़ों को चेक करके आप अलाउ कर सकते हो, बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं वो पर्टिकुलर सीमेंट का जो बैच आपके पास जो आया उसको आप यूज़ करने लायक है, वो यूज़ कर सकते हो आप साइट पे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कलर टेस्ट,
आपका ग्रीन कलर होना चाहिए। दूसरा था फ्लोट टेस्ट, तो पानी में डालोगे थोड़ी देर तैर रहेगा उसके बाद डूब जाएगा। उसके बाद मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ लम्स, लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर भाई वो उसको रिजेक्ट कर दो, वो बिल्कुल यूज़ के काबिल है ही नहीं। एंड था टेम्परेचर टेस्ट, हाथ डालोगे तो क्या होगा भाई, गर्म नहीं लगता है, थोड़ा ठंडा ही लगता है। तो इन टेस्ट से आप ऑन साइट चेक कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी और टेस्ट और ब्रिक टेस्ट वगैरह जो भी है अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। अदरवाइज इसी तरह अपने भाई को प्यार देते रहो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।